series of protests in Jammu and Kashmir. Resistance against BJP-led government is getting stronger. Females on the road in scorching heat. Smart meter, band karo. Band karo, band karo. Smart meter, band karo. Lootna, band karo. Band karo, band karo. Bijli ke naam pe lootna, band karo. Band karo. BJP chhod do. नारी शक्ति बिजली डिपार्टमेंट जोर है जोर है जोर है जैसा कि आप सब जानते हैं जानीपुर से ये मुहिम हमने स्टार्ट की थी उस टाइम 10-20 लोग निकले थे। आज मेरी बहनों का जूम देख लीजिए पूरे जम्मू में हाहाकार मची हुई है। जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं है तो जम्मू कश्मीर में क्यों? जम्मू कश्मीर में गरीबों को मारने की अमीरों को मारने की डोगरों को मारने की सियासत की जा रही है एलजी मनोज सिन्हा और बीजेपी के द्वारा जो हम नहीं होने देंगे। आज हम 200-300-500 लोग यहाँ पे हाई कोर्ट जिस तरह हमने बोला था पीडीडी डिपार्टमेंट का घेराव करेंगे हमने किया अपनी बहनें माओं के साथ लेके। आज जानीपुर के लोग निकले हैं आने वाले कल में पूरे जम्मू के लोग मैं निकालूंगा जिस तरह पूरे जम्मू में आज हाहाकार मची है। स्मार्ट मीटर सबसे पहले खुशी की बात है कि जो नए स्मार्ट मीटर है वो लगना बंद हो गए हैं और अब हमने जो पुराने स्मार्ट मीटर है ये भी उखाड़ने हैं। किस तरह उखाड़ने हैं? इनको परेशान करके एलजी गो बैक के नारे लगाकर। अगर हमने प्रोटेस्ट बंद कर दिया अगर पूरा जम्मू नहीं जागा तो ये लोग जो है जबरन लोगों के लाखों रुपए बिल बना देंगे। इनके खुद ही बिजली डिपार्टमेंट के लोगों ने इनको एक्सपोज कर दिया किस तरह ये रीडिंगे डालते हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं जम्मू के लोग जाग जाइए बीच पर खड़े हो जाइए देखना फ्रेम में आ रहा हूं जहां मर्जी मुझे बुलाइए हर जगह हम साथ निकलेंगे। एलजी गो बैक गो बैक गो बैक। आज हमने यहां पे लॉक लगाया है क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जम्मू के डोगरों को लूटा है कश्मीरी अपनी जंग लड़ना चाहते हैं लेकिन उन्होंने सोचा जम्मू का डोगरा सोया है। लेकिन आज मेरी माँ बहनों ने बता दिया जम्मू का डोगरा सोया नहीं है नहीं सोया जम्मू का डोगरा। आज जम्मू की माँ बहने डोगरा जाग गया है। आने वाले कल में जगह जगह पे प्रोटेस्ट होंगे। जब अरविंद केजरीवाल साहब 90% बिजली पंजाब में 75% बिजली दिल्ली में फ्री दे सकती है तो जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी बिजली 19 प्रोजेक्ट होने के बाद भी बिजली जो है बाहर की स्टेटों में सेल की जा रही है। और जो 35,000 करोड़ रुपया घाटा बोलते हैं ये घाटा उन लीडरों ने डाला है उन सियासतदानों ने डाला है उन पार्टियों ने डाला है उन डिपार्टमेंटों ने डाला है जिन्होंने इनको लूटा। लेकिन गरीब जनता से क्यों वो पूरा किया जा रहा है? क्यों 100 रुपए का बिल 5,000 पे बनाया जा रहा है? मैं जम्मू कश्मीर की जनता जम्मू के जनता को कहना चाहता हूँ प्रीपेड के बिल जो है वो बंद कर दीजिए स्मार्ट मीटर के जो बिल है वो बंद कर दीजिए तब जाकर ये सुधरेंगे। एक हो जाइए यूनाइट हो जाइए। क्या पूरे जम्मू की बिजली काटेंगे? क्या पूरे जम्मू की बिजली बंद करेंगे? अभी जी आज हल्ला
क्या बोला है आम जनता के साथ आपके बीच? चांदीपुर में हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी, पूरे जम्मू में हाहाकार मची हुई है। आज ये बहनें बाहर आई हैं, कल भाई भी बाहर आएंगे, कल पूरा जम्मू बाहर होगा और कहीं बम बम बोले का टाइम ना ले। लेकिन इस बार बम बम बोले का टाइम जो आएगा वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर जेन्युइन फाइट के लिए आएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राजनीति जो है वो भाजपा करती आई, जो अब हम नहीं होने देंगे, बीजेपी और बिल लेंगे। एक मीडिया चैनल में इनके ही लोगों ने एक्सपोज कर दिया किस तरह रीडिंगें बढ़ाई जाती है, किस तरह लोगों के लाखों रुपए बिल बनाए जाते हैं। मैं एलजी मनोज सिन्हा को पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे यूपी में स्मार्ट मीटर लगे हैं? जब वहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं तो जम्मू कश्मीर में क्यों? जम्मू कश्मीर के डोगरों को लूटने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे। जम्मू के डोगरों को कंगाल करने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे। ये डेली वेजरों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जहाँ पे पीडीडी के डेली वेजर बेचारे आए दिन मौत के घाट उतर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे नपुंसक ऑफिसर जो बिठा दिए गए हैं ऑफिसर की चेयर पे, ऐसे एलजी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बिठा दिए गए हैं, हम यही कहेंगे एलजी गो बैक।